वेरी सूट गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे वी रीड साइंस बुक. आवर टॉपिक इज एनिमल्स अराउंड अस. एनिमल अराउंड अस का मीनिंग होता है हम कहीं भी जाते हैं तो हमें हमारे आसपास जो भी एनिमल्स देखने को मिलते हैं तो वही हम चैप्टर आज रीड करेंगे. ये देखिए पिक्चर में, आप कहीं भी जाते हो तो आपको उस जगह पे एनिमल्स मिलेंगे. अब जंगल में भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं. नाउ वी रीड अब मैं आपको समझाऊंगी कि एनिमल्स हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं और कौन कौन से एनिमल्स होते हैं. एनिमल्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स सच एज इंसेक्ट्स, बर्ड्स, वाटर एनिमल्स. सम एनिमल्स लिव इन वाटर, सम एनिमल्स आर स्मॉल एंड सम आर बिग. Some of the wild animal we can see in zoo. हम ऐसे सब जगह हम कहीं भी जाते हैं वर्ल्ड में, पूरे संसार में हमें एनिमल्स हम कहीं भी जाएंगे तो देखने को मिलेंगे. और हमें हर तरीके के अलग अलग तरीके के एनिमल्स देखने को मिलते हैं, लाइक इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, बर्ड, चिड़िया, वाटर में एनिमल्स पानी में जो रहते हैं. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी के बाहर भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं. और कुछ ऐसे होते हैं वो छोटे होते हैं देखने में, कुछ ऐसे होते हैं बहुत बहुत बड़े बड़े होते हैं. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जू में रहते हैं, ZOO. जू मीन्स होता है जंगल, जंगल में, सॉरी ZOO. जू का मतलब होता है चिड़ियाघर. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो चिड़ियाघर में रहते हैं. वो जो एनिमल्स चिड़ियाघर में रहते हैं कुछ उसमें से वाइल्ड भी होते हैं, कुछ डोमेस्टिक भी होते हैं. नाउ वी रीड पैट, पैट एनिमल्स. पैट एनिमल्स कौन से होते हैं? पैट एनिमल्स वो होते हैं द एनिमल्स विच कैन बी कैप्ट इनसाइड द होम्स आर कॉल्ड पैट एनिमल्स. वो एनिमल्स जिनको हम अपने घर में रख सकते हैं वो पैट एनिमल्स होते हैं. दीज एनिमल्स आर कैप्ट फॉर फन. और ये जानवर क्या होते हैं? हम हमारे साथ मस्ती करते हैं और ये बहुत मस्त रहते हैं और इंजॉय करते हैं घर में बहुत और सबको हंसाते रहते हैं. नाउ वी रीड डोमेस्टिक एनिमल्स, DOMESTIC, डोमेस्टिक, ANIMALS, एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं? सम एनिमल्स आर कैप्ट ऑन फार्म, दे गिव अस मैनी यूजफुल थिंग्स, दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. वो जानवर जिनको हम फार्म में रखते हैं और वो हमें हमारी यूजफुल बहुत सारी चीज़ें देते हैं. दे शुड टेक केयर ऑफ दैम. और हमें इनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करने की भी ज़रूरत होती है और हमें इनकी देखभाल भी करनी चाहिए. नाउ वी रीड लाइक गॉट, पिग, काउ, बफेलो, ऑक्स, डंकी एक्सेट्रा डोमेस्टिक एनिमल्स. जैसे गॉट हमें क्या देती है? मिल्क. पिग हमसे हमें क्या मिलता है? मीट. काऊ हमें क्या देती है? दूध. बफेलो से हमें मिल्क मिलता है. ऑक्स बैल जो होते हैं वो हमारे खेत में काम करते हैं. डंकी मीन्स गधा हमारे सामान को ढोता है. एक्सेट्रा ऐसे और भी जानवर होते हैं जो डोमेस्टिक होते हैं जिनको हम रख सकते हैं और वो हमारे यूजफुल के लिए भी होते हैं. सम एनिमल्स वंडर फ्रीली इन जंगल. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जंगल में बेफिक्र घूमते हैं. दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. वो कौन से जानवर होते हैं? जंगली जानवर, जंगल में रहने वाले. दे कांट बी टैम्ड. और वो किसी से भी नहीं डरते.
वो बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे टाइगर, लायन, फॉक्स, बियर, डियर एक्सेट्रा और वाइल्ड एनिमल्स। ये जंगल में रहते हैं एनिमल्स। यू कैन सी सम वाइल्ड एनिमल्स इन जू। वाइल्ड एनिमल्स आर फेयरफुल एंड डेंजरस। कुछ ऐसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जिनको आप जू में भी देख सकते हो, और ये क्या होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ फॉरेस्ट। जो जंगल का राजा कौन है, शेर। शेर को हम जंगल का राजा बुलाते हैं। नाउ वी रीड मैमल्स। MAMMALS मैमल्स। मैमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं, मैमल्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज एंड फीड देम विद देयर ओन मिल्क। मैमल्स वो वाले एनिमल्स होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। जैसे एलिफेंट अपने बच्चे को जन्म देता है और दूध भी पिलाता है। मंकी भी, डियर भी, बीयर बियर मीन्स भालू भी, हॉर्स घोड़ा भी, गॉट बकरी भी बच्चे भी देती है और अपने बच्चों को दूध पिलाती है और हमें भी देती है। काओ भी। ह्यूमन बींग कौन होते हैं कि जो इंसान होते हैं, मतलब जो लेडीज़ होती हैं वो भी बच्चों को जन्म देती हैं और अब दूध पिलाती हैं। एक्सेट्रा आर मैमल्स। नाउ वी रीड मिल्स एनिमल्स कौन से होते हैं, MILCH मिल्स, ANIMALS मिल्स एनिमल्स। मिल्स एनिमल्स कौन से होते हैं, द एनिमल्स विच गिव अस मिल्क आर कॉल्ड मिल्स एनिमल्स। वो जानवर जो हमें दूध देते हैं वो मिल्स एनिमल्स होते हैं। लाइक काओ, बफेलो एंड गॉट आर मिल्क गिविंग एनिमल्स। काओ, बफेलो एंड गॉट आर मिल्क गिविंग एनिमल्स। वो एनिमल्स जो दूध देते हैं, जैसे काओ गाय देती है, बफेलो भैंस देती है एंड गॉट बकरी देती है। नाउ वी रीड एम्फीबियंस। AMAMPHIBIANS एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं, द एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियंस। वो जानवर जो पानी के अंदर भी रहते हैं और ज़मीन के ऊपर भी चलते हैं वो एम्फीबियंस एनिमल्स होते हैं। देखा ना आपने कछुए को, पानी में भी रहते हैं और बाहर भी चलता है। लाइक कॉकरोच भी सेम, पानी में भी रहता है और बाहर लैंड पे भी चलता है। और मेंढक पानी में भी रहता है तालाब में और बाहर भी घूमता है, आप सबने देखा है ना। तो ये एम्फीबियंस एनिमल्स होते हैं। नाउ वी रीड बर्ड। BIRD बर्ड, बर्ड्स। BIRDS बर्ड्स। बर्ड्स कौन होती है, चिड़ियाँ। चिड़िया कहाँ रहती है, अब हम देखेंगे। बर्ड्स आर द मैमल एनिमल्स। बर्ड्स आर द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। बर्ड्स होती है वो उड़ सकती है। देयर विंग्स हेल्प्स देम टू फ्लाई। और उनकी जो विंग्स होते हैं पंख, वो उड़ने में फ्लाई उनको मदद करते हैं। दे हैव टू लेग्स एंड टू विंग्स। और इनके दो पैर होते हैं और दो पंख होते हैं। दे हैव फेदर्स एंड अ टेल। और इनके पर होते हैं और एक पूंछ होती है। दे हैव अ बीक, इनकी चोंच होती है। दे हैव जर्नली लिव इन ट्री। और जहाँ तक पेड़, चिड़िया कहाँ रहती है, पेड़ पर रहती हैं। ये भी एनिमल्स हैं। नाउ वी रीड रेप्टाइल्स। REPTILES रेप्टाइल्स। REPTILES रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स द एनिमल्स दैट क्रॉल अलॉन्ग विद द ग्राउंड आर कॉल्ड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स वो जानवर होते हैं जो रेंगते हैं। CRAWL क्रॉल। क्रॉल मीन्स होता है रेंगना। वो एनिमल्स जो रेंगते हैं, रेंग के चलते हैं। आपको पिक्चर में सो रहा है ना, तो ये एनिमल्स रेंगते हैं। नाउ वी रीड इंसेक्ट्स।
इंसेक्ट्स कौन से एनिमल्स होते हैं? INSECTS इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स। इंसेक्ट्स बहुत छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं। वी कैन इंसेक्ट्स ऑल अराउंड अस, और हम इंसेक्ट्स को कहीं भी अपने आसपास देख सकते हैं, है ना, देखते हैं ना। एनिमल्स लाइक हनी बी, आंट्स, बर्ग, बटरफ्लाई, ग्रास हॉपर, हाउस फ्लाई एंड कॉकरेच आर सम इंसेक्ट्स। यही वो इंसेक्ट्स हैं कुछ जो हमारे आसपास रहते हैं। देयर बॉडीज इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, और इनकी बॉडी 3 भागों में बटी हुई है। दे हैव 6 लेग्स, और इनकी 6 टांगे होते हैं। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव विंग्स, और कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जिनके पंख होते हैं। विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई, और उनके विंग्स इनको उड़ने में मदद करते हैं। तो ये सब एनिमल्स हमारे आसपास रहते हैं। दीज आर द एनिमल्स अराउंड अस, यही एनिमल्स जो हैं हमारे आसपास रहते हैं, और हम कहीं भी जाते हैं हमें जानवर देखने के लिए मिल जाते हैं, देखने के लिए मिलते हैं ना। तो आप कहीं भी जाओगे आपको कोई भी एनिमल कहीं भी मिल जाएगा। तो जितने भी सब एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एनिमल अराउंड अस, हमारे सब आसपास कहीं भी एनिमल रहते हैं। ठीक है, चैप्टर का नेम जो है एनिमल अराउंड अस, हमारे आसपास के जानवर। हम जहाँ भी जाएंगे तो वो हमारे आसपास तो हो जाएगा, हमें देखने के लिए एनिमल मिल जाएंगे और हम देख सकते हैं, राइट। नाउ आवर चैप्टर इज़ फिनिश। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।